नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ दमन बीच पर और इस लेसन में हम सीखेंगे एक फ्लूट की एक्सरसाइज जो कि आपके फिंगर्स की स्पीड बढ़ाएंगी। जो फ्लूट के होल्स होते हैं जिस पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, जब आप शुरू करते हैं तो आपके फिंगर्स का जो मूवमेंट होता है वो सेट नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप प्ले करते हैं तो फिंगर्स पर कहीं ना कहीं गैप रह जाता है जो होल के बीच में, तो उसकी वजह से थोड़ा साउंड में डिस्टर्बेंस आता है, थोड़ी एयर लीक होने की वजह से वो साउंड प्रॉपर नहीं आ पाता। तो इसलिए मैंने अपने लेसन में इसकी काफ़ी एक्सरसाइजेस बनाई थी, तो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज रेंडम मैंने ऐसी बनाई है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि आपकी फिंगर्स की मूवमेंट की मदद करेगा जो इसके फ्लूट के होल्स हैं उस पर। तो आइए देख लेते हैं एक बार। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सी एक्सरसाइज है कि आपको पीछे से आगे की तरफ जाना है, यानी कि सारे होल्स ओपन। पहले आपको इस पर कमांड करना है, ऐसा नहीं कि जब आप प्ले कर रहे हैं और आपकी फ्लूट गिर रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप प्ले करते हैं तो फ्लूट का जो बैलेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। जब आप सारे होल्स ओपन करके प्ले कर रहे हैं तो आप जो थंब है अपना उसका सपोर्ट ले सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड का थंब है उसको आप इस डायरेक्शन में रख सकते हैं और जो राइट हैंड का थंब है उसको आप फोर्थ होल के नीचे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होल, जो फोर्थ होल उसके नीचे रखेंगे तो उससे जो बैलेंस है वो परफेक्ट होगा। और फिर आप प्रैक्टिस करना है, जैसे फर्स्ट होल आपको क्लोज करना है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, वन बाय वन आपको सारे होल्स कवर करते जाना है। और आपको बात ध्यान ये रखना है कि जब आप सेकंड होल कवर कर रहे हैं तब आपको फर्स्ट ओपन नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट ओपन कर देते हैं तो वो साउंड नहीं आएगा, वो साउंड ओपन का ही आएगा। सारे होल्स ओपन करेंगे और इस तरीके से आप बजाएंगे तो वो सेम साउंड रहेगा। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जब आप यहाँ से ब्लो मारते हैं, फूंक मारते हैं, तो आपका साउंड जो है फ्रिक्वेंसी ट्रेवल करती है। आपको जानते होंगे जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसको एक मीडियम चाहिए, तो मीडियम इसके अंदर है और यहाँ पर एक कॉर्क लगा है स्टॉपर, तो हमारा जो ब्लोइंग है, जो साउंड है, वो यहाँ से निकल के जाता है। और जैसे जैसे हम होल्स खोलते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग, उसके दूरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस द साउंड विल गेट प्रोड्यूस, है ना, उसके पिच के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपको जब आप सेकंड होल प्ले कर रहे हैं तो फर्स्ट आपका प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए, फिर आप इस तरीके से प्ले करते जाइए और लास्ट में सारे होल्स क्लोज। काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है कि जब आप सारे होल्स क्लोज करते हैं तब साउंड में काफ़ी डिस्टर्बेंस आता है, तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि चांस ज़्यादा हो जाते हैं लीकेज के। जब आप सिक्स्थ होल तक पहुँचते हैं तो आपके पहले के पांच होल्स क्लोज हैं, तो आप जब क्लोज होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से एयर गैप छूट रहा है, प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पा रहा है होल, ये आपको ब्लोइंग के वक्त पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप साउंड निकालने की कोशिश करते हैं तब वो चीज़ सामने निकल के आती है। तो उसके लिए आपको धीरे धीरे स्टार्टिंग से स्लो से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे फास्ट की तरफ चलते जाना है। पहले आपको स्टार्टिंग पर सारे होल्स ओपन पर प्रैक्टिस चाहिए, कमांड आपकी ब्लोइंग पर होनी चाहिए। अगर उसमें नॉइस निकल के आ रही है तो आपको कोशिश ये करना है कि नॉइस सबसे कम हो, सो नॉइस को आपको मिनिमम करना है, एकदम 100% रिड्यूस नहीं होगी, लेकिन जितना आप कोशिश करेंगे, आप अपने फ्लूट की पोजिशन को चेंज करके देख सकते हैं, इस तरीके से रोटेट कीजिए और फिर उसके बाद फिंगर्स के मूवमेंट पर आइए। तो एक्सरसाइज देख लेते हैं। तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद आप दो दो होल्स एक साथ कवर कीजिए, जैसे कि आपने जीरो पर ओपन किया, जीरो मतलब सारे होल्स ओपन, फिर आप दो फिंगर्स एक साथ उठाइए और रखिए, उठाइए रखिए। इसके क्या होगा कि आपका जो माइंडसेट है वो आपकी फिंगर्स को कमांड देगा आपके जो फ्लूट के होल्स हैं वहां पर प्लेस करने की और हटाने की। तो ये आप एक्सरसाइज कीजिए दो दो होल्स करके। तरीके से आप दो दो होल्स करके कर सकते हैं। फिर आपको तीन होल्स करके करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड की थ्री होल्स को कवर कीजिए और राइट हैंड का थ्री होल्स इस तरीके से करना है। फिर आपको पहले थ्री होल्स लेफ्ट से करना है, फिर राइट से करना है, इस तरीके से देखिए। इस तरीके से आपको करना है। फिर आप चार होल्स एक साथ कीजिए, फिर पांच होल्स एक साथ कीजिए और फिर सभी छह होल्स इस तरीके से, सिक्स होल, फिर फाइव। तो इस तरीके से आप सारे होल्स वन बाय वन करके कवर करते जाएंगे तो आपके फिंगर्स को माइंडसेट, जो आपका ब्रेन है, वहाँ से कमांड जाएगा कि फ्लूट का होल्स किधर है और किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है।
इसके बाद जब आपकी फिंगर्स की कमांड हो जाए देन आप अलंकार्स पर आइए। अलंकार में हम सरगम सीखते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप एक तरीका होता है। आपको शुरू में ही अलंकार या सरगम की तरफ नहीं भागना है, आपको पहले ब्रीदिंग पर कमांड चाहिए, उसके बाद जो फ्लूट के होल्स हैं उस पर आपको कमांड चाहिए कि वन बाय वन आपका जो स्टेप है जो फ्लूट के होल्स हैं वो प्रॉपरली कवर हो जाए, देन आप सरगम अलंकार सॉन्ग्स उस पर ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, मैंने फ्लूट की लिंक दी है, और आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।